कोरोना के आतंक ने सभी को झकझोर के रख दिया है। कोरोना का संक्रमण इस कदर बढ़ रहा है कि उसके चपेट में नागपुर के टुकड़ोशी पुतला स्थित पीएफ ऑफिस में कोरोना का स्पोर्ट हुआ है। इस कोरोना के स्पोर्ट में एक कर्मचारी की मौत हुई है तो वहीं 5 दर्जन कर्मचारी व उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्तालय नागपुर में कोरोना विस्फोट हो गया है। 5 दर्जन कर्मचारी व उनके परिजन कोरोना संक्रमित है। बुधवार को एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के टुकड़ोशी पुतला चौक स्थित क्षेत्रीय आयुक्तालय में कार्यरत सेक्शन सुपरवाइजर नितिन तिनखेड़े कोरोना संक्रमित थे। पिछले कुछ दिनों से उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार तड़के उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इधर 5 दर्जन कर्मचारी व उनके परिजन कोरोना संक्रमित है। फिलहाल ये कर्मचारी होम क्वारंटाइन है। कोरोना के कहर को देखते हुए कार्यालय में 50% की उपस्थिति में कामकाज चल रहा है। कोरोना काल में हजारों लोगों का रोजगार चला गया। अधिकांश कामगार व मजदूर पीएफ कोष से निधि निकालकर अपनी उपजीविका चला रहे हैं। इन कामगारों की निधि मंजूरी से लेकर वितरण का काम ईपीएफओ को करना पड़ता है। संबंधित प्रक्रिया कर्मचारी को पूरी करनी पड़ती है, इसलिए कर्मचारियों को ऑफिस में आना पड़ता है। मृतक नितिन तिनखेड़े को गुरुवार को क्षेत्रीय आयुक्त विकास कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। 5 दर्जन अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, अगर आपको खबर पड़े ठीक से तो 60 लोग इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व का मतलब है कि हम उनको भी ऑफिस आने से मना कर दे रहे हैं जिनके घर में कोई पॉजिटिव है या जो किसी पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टेक्ट में है, ताकि उनको अगर कुछ बीमारी का लक्षण हो जाए तो हमारे ऑफिस तक वो ना आए। ऐसा नहीं है कि 60 कर्मचारी यहीं के हैं, यहाँ 20 लोगों से ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है पॉजिटिव। 60 इसलिए हो गया है कि उनके परिवारजनों को भी, जिनको हो गया है एकदम क्लोज में, जो क्लोज रिलेटिव है, फर्स्ट रिलेटिव जिनको बोल सकते हैं, तो हमने उनका भी आना बंद कर दिया है ताकि कोई संक्रमण गलती से भी हमारे ऑफिस के अंदर न पहुंचे। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा काम काज आजकल लगभग 100% ऑनलाइन और फ़ोन से हो जा रहा है। आप मेल भेज दीजिए www.epfindia.gov/in पे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा 3 दिन के अंदर। दूसरी बात है, आप फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आप फिजिकली मत आइए, आप खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं, हमारे स्टाफ को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप थे विकास कुमार, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए तमाम जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनको ये बताया कि कोई भी बिला वजह या फिजियो का ना आए, काम से ही आए। और अधिकतर मेल साइट दी गई है, मोबाइल नंबर दिया गया है, उसके ऊपर में आप संपर्क कर सकते हो। और आपसे बीमा को लेके अगर कोई भी कामकाज कार्यालय का हो तो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक उन्होंने ये भी बताया कि 80 जो इनके कर्मचारी जो थे वे क्वारंटाइन हो चुके हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से जो आदेश दिया उसका सभी ने पालन करना चाहिए, ऐसा ही कुछ कहना बीमा कार्यालय के प्रबंधक विकास कुमार जी इनका पड़ा है। कैमरा पर्सन मुनू खान के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।